नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 के जीत के बाद किसान आंदोलन बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। किसान अगर जल्दी घर या गांव वापस चले भी जाएं, तो भी बीजेपी सरकार का जो कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, उसमें बहुत इरोजन होगा। पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लंबा आंदोलन चला था, उसको काबू सरकार तभी कर पाई थी जब कोविड-19 के चलते लॉकडाउन इंपोज किया गया था। लेकिन इस बार किसानों के लिए समर्थन कहीं ज्यादा है। कारण सिंपल है, इसमें कोई आइडियोलॉजिकल इशू इन्वॉल्व नहीं है। सरकार और बीजेपी ने कोशिश जरूर की आंदोलनकारियों को खालिस्तानी का लेबल देकर, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। भारतीय किसानों ने एक तरह से अपने आंदोलन से देश के पहले मास मूवमेंट, जिसमें वर्किंग क्लास और पेजेंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, उसकी सेंटिनरी को मार्क कर रहे हैं। मैं 1920-21 के नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी के कॉल को कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मली एंडोर्स दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस में जाकर किया था। दिस मूवमेंट अशर्ड इन अ न्यू फेज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रिमेन्स अ पीपल्स स्ट्रगल व्हिच स्टिल ऑफर्स innumerable lessons for protesters against anti-people's policies. आजादी की लड़ाई में non-cooperation खिलाफत movements के through गांधी जी ने national movement को एक mass character दिया था। इस आंदोलन में उनके primary strategies का full exposition किया गया था। non-violence, सत्याग्रह and non-cooperation. 1920-21 के एजिटेशन के दौरान पहली बार कैलिब्रेटेड लॉन्ग टर्म टैक्टिक्स का उपयोग देखा गया था। गांधी जी ने जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स को यूनिलैटरली विथड्रॉ कर लिया था, तब कांग्रेस के अंदर से भी क्रिटिसिज्म हुआ था, परंतु उन्होंने अपने फैसले को जस्टिफाई किया था। कहा था उन्होंने, आई वुड सफर एवरी ह्यूमिलिएशन, एवरी टॉर्चर, एब्सोल्यूट ऑस्ट्रिसिज्म एंड डेथ इटसेल्फ टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट। गांधीजी वाज क्लियर दैट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट वुड बी वेरी ग्रुएलिंग, द फर्स्ट एफर्ट कुड नॉट बी अ फाइट टू द फिनिश। हमें याद रखना चाहिए, जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था तब तक चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद 25 साल बीत चुके थे, फिर भी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट से बहुत कुछ आंदोलनकारी सीख सकते हैं आज भी। साथ ही आम जनता भी अपनी राजनीतिक समझ और एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। Significantly, the non-cooperation khilafat agitations emerged from two separate issues, yet the two movements adopted a common course of action and soon became indistinguishable from one another. Pehla Vishwa Mahayudh ki wajah se Bharat ki arthvyavastha par bahut negative asar pada tha. Yudh khatam hote hote डेली कंजम्पशन के वस्तुओं का दाम बहुत बढ़ गया था। रनअवे इन्फ्लेशन से हर एक इंसान पीड़ित था। युद्ध खत्म होते ही इंपोर्ट्स दोबारा शुरू हो गए, जिसकी वजह से
कंपनियां इंडस्ट्रीज इंडिजेनस इंडस्ट्रीज बंद हो गई और लोगों की नौकरियां चली गई। उस नाराजी के बैकड्रॉप में गांधी जी ने ड्रेकोनियन रोलेट एक्ट से पैदा एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट को सत्याग्रह के फॉर्म में चैनलाइज किया। इंडिया विटनेस अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अवेकनिंग इन मार्च एंड अप्रैल 1919 एज द जालियांवाला बाग हैड फर्दर एंगर्ड द पीपल। बट गांधी जी वॉज इन नो हरी, ही टुक हिज टाइम टू ब्रॉड बेस द एजिटेशन। सिंस अर्ली 1919 मुस्लिम सेंटिमेंट वॉज राइजिंग ऑन द खिलाफत इशू। मुद्दा साधारण सा था, इट वॉज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द इंडियन मुस्लिम्स कंसिडर्ड द सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल गुरु और रादर एज देयर खलीफा। पहले महायुद्ध में टर्की ने जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ अलाइन किया था। एक्सिस पावर्स के पराजय के बाद टर्की के सुल्तान को उसकी खिलाफत से हटा दिया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खलीफा के पोजीशन की रेस्टोरेशन की मांग की। बॉम्बे में खिलाफत कमिटी का गठन हुआ। दिल्ली में 22-23 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। गांधी जी ने इसको प्रिसाइड किया। इन द कॉन्फ्रेंस मौलाना हसरत मोहानी एडवोकेटेड फॉर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड द कॉन्फ्रेंस कॉल्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। शौकत अली ने सरकार को चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी गईं, तब जॉइंट हिंदू मुस्लिम मूवमेंट विल बी स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, अ मैन हु कमांड्स रेस्पेक्ट ऑफ बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। खिलाफत का मुद्दा डायरेक्टली हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड नहीं था, फिर भी गांधी जी को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंदोलन में अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। जून 1920 में खिलाफत कमिटी की बैठक इलाहाबाद में हुई। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसमें शामिल हुए। नॉन कोऑपरेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड। इट वॉज टू इंक्लूड 1. बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश। पॉइंट नंबर 2. बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज आर्मी एंड पुलिस, बेसिकली मीनिंग ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। एंड द थर्ड वॉज नॉन पेमेंट ऑफ ऑल ऑफिशियल ड्यूज। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन के लॉन्च का डेट फिक्स किया गया। गांधी जी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, टिल द रॉन्ग्स इन जालियांवाला बाग एंड खिलाफत वर अनडन, देयर वॉज टू बी नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। गांधी जी के सामने चुनौती थी, हाउ टू मेक द कांग्रेस एक्सेप्ट व्हाट ही हैड इन माइंड। गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को कन्विंस करने की कोशिश की। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर सत्याग्रह की यूटिलिटी समझा, हिंदू मुस्लिम एकता के फायदे दोहराए। बट तिलक रिमेंड स्केप्टिकल ऑफ सत्याग्रह एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑन अ रिलीजियस इशू। तिलक चाहते थे इंटर कम्युनिटी रिलेशंस या फिर इंटर कम्युनिटी पॉलिटिकल कोलैबोरेशन का बेसिस 1916 का लखनऊ पैक्ट हो। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। तिलक की 1 अगस्त 1920 में अचानक मृत्यु हो गई। तब भी गांधी जी के प्रपोजल्स पर कई मिसगिविंग्स रहे कांग्रेस के अंदर, एस्पेशली ऑन द इशू ऑफ बॉयकॉटिंग इलेक्शंस। उस समय अलग अलग प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को प्रपोजल्स भेजे गए।
ग्रेडेड फॉर्म में नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट मिला। डिवीजन लेकिन क्लियर था, जेन नेक्स्ट के ज्यादातर नेता गांधी जी के साथ थे और जो वेटरन्स थे उनमें से मेजॉरिटी जो है प्रपोजल के बारे में बहुत ही स्केप्टिकल थे। इस परिस्थिति में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया गया। कलकत्ता कांग्रेस अप्रूव्ड सरेंडर ऑफ टाइटल्स, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स एंड काउंसिल्स। बिसाइड्स दिस इट डिसाइडेड टू एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड द यूज ऑफ खादी। फाइनल डिसीजन लेकिन दिसंबर 1920 में प्लान्ड नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया। उसके पहले लेकिन नवंबर 1920 में जब काउंसिल इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस कैंडिडेट्स ने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया। देयर वाज नो यूनिवर्सल सफ्रेज एट दैट टाइम, नॉट एवरीबॉडी हैड द राइट टू वोट। डिस्पाइट दिस जस्ट 27% हिंदू वोटर्स एंड 12% मुस्लिम वोटर्स वोटेड इन द अर्बन एरियाज। इन रूरल एरियाज द नंबर्स वर स्लाइटली हायर बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट हैव एन एलैबोरेट रूरल नेटवर्क टू कैंपेन फॉर इट्स बॉयकॉट प्लैंक। इन द रूरल एरियाज 41% हिंदूज वोटेड एंड जस्ट 28% मुस्लिम्स टर्नड आउट। बिफोर द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस हिंदू नेशनलिस्ट्स लेड बाय बीएस मुंजे एंड केशव बलिराम हेडगेवार वेंट टू श्री औरबिंदो एंड रिक्वेस्टेड हिम टू प्रिसाइड ओवर द नागपुर सेशन इन प्लेस ऑफ तिलक, बट ही टर्न डाउन देयर ऑफर। इवेंचुअली नागपुर सेशन में खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस के चार्टर में शामिल किया गया। उसके बाद से हेडगेवार और मुंजे और बाकी हिंदू नेशनलिस्ट जो कांग्रेस के अंदर काम करते थे दे स्टार्टेड गेटिंग डिसिल्यूशन्ड विद गांधी जी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस दैट ही एडवोकेटेड। अल्टीमेटली द आरएसएस एंड द हिंदू महासभा लीडर्स प्लेड लिटिल और नो रोल इन द नेशनल मूवमेंट। नागपुर कांग्रेस में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स का एंडोर्समेंट तो हुआ ही, साथ ही कई अहम ऑर्गेनाइजेशनल डिसीशंस भी लिए गए थे। 15 मेंबर की एक वर्किंग कमिटी का गठन हुआ टू डिसाइड एंड डेलिबरेट ऑन इश्यूज दैट फेल इन बिटवीन द एनुअल सेशंस एवरी ईयर। साथ ही 350 मेंबर्स का ऑल इंडिया कमिटी और शहर से लेकर गांव तक हर स्लैब में कांग्रेस कमिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। एडिशनली प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वेर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। एक और अहम फैसला नागपुर में लिया गया। द कांग्रेस डिसाइडेड टू बिकम अ मास ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी हिंदुस्तानी उसका मेंबर बन सकता था। इसके बाद मेन विमेन हिंदूज मुस्लिम्स दलित ब्राह्मण्स देयर वाज एब्सोल्युटली नो बार ऑन एनीवन फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स were not categorized by just protests. Education sector को nationalize किया गया, यानी कि देसी भावना उसमें infuse की गई। Indigenous goods were promoted और खादी चरखा को popularize किया गया। Party को unite किया गया, sectarian lines को erase करने की लगातार कोशिश होने लगी और वॉलेंटियर कॉर्प को इंडक्ट करके उनको डिप्लॉय किया गया। ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क को डाउन टू द विलेज तक
समझा गया और इस दिशा में कदम उठाए गए। आंदोलन के कई फेजेस थे, उनके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट 25 साल से भी ज्यादा पीरियड था और उसके पहले और उसके बाद के कई घटनाएं हमारे आजादी के लड़ाई के अहम वॉटरशेड मोमेंट्स हैं। समकालीन हिंदुस्तान में हर राजनीतिक दल को नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट से पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में सीख मिल सकती है। इट माइट हैव हैपेंड अ सेंचुरी अगो, बट द रोड मैप चॉक्ड आउट इन नागपुर इज स्टिल वेरी रेलेवेंट टुडे।